हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो क्या आप में से कोई गेस कर सकते हैं मैं क्या बता रही हूँ आज? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोभी मंचूरियन। जी हाँ, गोभी के मंचूरियन मैं बना रही हूँ, जो कि फास्ट में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है देख लेते हैं। यहाँ मैंने लगभग लिया 1 कटोरी के पास फूल गोभी। उसके साथ मैंने 1 कैप्सिकम लिया, जिसे मैंने बारीक काट लिया, इसे मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करूँगी। उसके साथ मैंने लिए 1 गाजर, उसमें से आधी गाजर को मैंने बारीक काट लिया है, जो कि ग्रेवी में यूज़ होगी, और बाकी की आधी मैंने ऐसे रख लिया, वो हमारे मंचूरियन में जाएगी। और उसके साथ मैंने ली है यहाँ पर जिंजर। जिंजर के साथ ही मैंने यहाँ पे ली हुई है ये हमारी चटनी। इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और टमाटर है, जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगी बॉल्स बनाने में भी और ग्रेवी बनाने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक भगोना ले लिया है। अब मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और उसमें डालूँगी थोड़ा सा मैं नमक। ये पानी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पहले अपनी गोभी को इसमें अच्छे से ब्लांच करना है। अब जब ये हमारा पानी उबल जाएगा तब इसमें हम गोभी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी उबल चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोभी। इसे हिला के ऐसे ही 2 मिनट हम छोड़ देंगे। तो गोभी को मैं इसलिए ब्लांच कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी पक जाए, और वैसे भी ये केमिकल्स वगैरह वाली गोभी अगर होगी तो वो सारे साफ हो जाएगी। अगर इसमें कोई मतलब छोटे बहुत जीवाणु होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। वैसे तो मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया था, इसमें कुछ भी कीड़ा वगैरह कुछ नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार इसे अभी बनाने के लिए एक बार बॉयल कर लेना चाहिए। तो मेरी गोभी हो चुकी है, मैं इसे निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गोभी निकाल ली है। अब इसी पानी में गोभी निकाल लिया, अब इसी में मैं अपनी जो है गाजर को 2 मिनट के लिए डिप कर दूंगी इसी पानी में। उसके बाद इन दोनों को निकाल के कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी गोभी और गाजर है वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब मैं उन्हें कद्दूकस कर लूँगी। मैं मोटी वाली साइड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इधर वाली साइड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गोभी और गाजर को कद्दूकस कर लिया, उसके साथ मैंने अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट। हमें इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना, सिर्फ जितने हमारे मतलब मंचूरियन का बेस्ट सामान है उसके अकॉर्डिंगली आप डालेंगे, क्योंकि हम इसकी अभी ग्रेवी भी बनाएंगे तो उसमें भी सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट के साथ हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर। और उसके साथ मैंने जो ये चटनी बनाई थी वो मैं डाल दूंगी 2 चम्मच। इसमें मैंने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज डाली हुई है तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा चिलीज नहीं डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सिंघाड़े का आटा। आपके पास कुट्टू का, सिंघाड़े का, राजगिरा का, जो भी आटा हो, इवन साबुदाने का आटा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साबुदाने का आटा मीन्स आप साबुदाने को बारीक मिक्सी में डाल के पीस लें एकदम पाउडर की तरह, तो आप उसे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा भी इसमें डाल लिया अब, और मैंने इसमें थोड़ी सी और काली मिर्च ऐड किया। अब मैं उसे एक बार मिक्स करके देखूँगी। और हमें पहले इसमें पानी नहीं डालना, पहले इसको अच्छे से हमें ना मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि उसके परफेक्ट बॉल्स बन जाएँ, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपके मंचूरियन बॉल्स हैं वो नहीं बनेंगे। हम अपने हैंड्स यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे इसमें पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी,
मेरा उसी जो गोभी का मतलब खुद का मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइज होता है उसी में मेरा वो हो गया काम। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप डाल सकते हैं। एक तरफ मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो तब तक मैं इसके बॉल्स बना लेती हूँ। तो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, ज़्यादा बड़े हमने बॉल्स नहीं बनाने हैं इसके, इस साइज के। तो फ्रेंड्स मेरे बॉल्स जो हैं मंचूरियन बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम अपना ऑयल भी चेक कर लेते हैं। तो मैं ऑयल को चेक कर लेती हूँ। तो मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इनमें एक एक करके बॉल्स डालूँगी। अब हम इन्हें हिला हिला कर चेक कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं कहीं से भी, बिल्कुल एक तरह से परफेक्ट बने हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये इनको मैंने अब गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। इन्होंने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। बीच बीच में इनको हल्के हाथ से चलाते रहें, नहीं तो ये कुट्टू का सॉरी सिंघाड़े का जो आटा है वो कभी कभी नीचे लग जाता है अगर वो फूट जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि उनको हल्के हाथ से आप चलाते रहें। ये देखिए कितने अच्छे से बनके हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हुए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। तो मैंने ये मंचूरियन बॉल्स निकाल लिए हैं, तो मैं इनकी ग्रेवी की तैयारी करूंगी। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी सिंपल चटनी और चाय के साथ खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो अब मैं अपनी ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो मैं वही ऑयल ले रही हूँ। अब मैं उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जीरा, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है सो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको चटकना है। ज़ीरा मेरा अच्छे से चटक चुका है। अब मैं उसमें डाल दूंगी जो मैंने चॉप करके कैरेट और कैप्सिकम रखी थी, दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। और इसे चॉप कर लूंगी। आप चाहें तो इन्हें बारीक चॉप करने की जगह पे इनके जूलियंस भी कट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे इनको रखना है। तो कैप्सिकम और जो गाजर है वो अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं उनमें ऐड करूंगी हल्का सा सॉल्ट। सॉल्ट हमने हमारे बॉल्स में भी ऐड किया है, तो आप उसे अकॉर्डिंगली ऐड करिएगा। वैसे तो मंचूरियन में काफ़ी सारी सॉसेस पड़ती हैं, लेकिन ये हम फास्ट के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें कोई भी सॉस वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारी जिंजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके साथ ही डाल दूंगे टमाटर। ये फास्ट वाले मंचूरियन है इसमें टमाटर डल रहा है, वैसे तो इनमें टमाटर नहीं ऐड होता। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया, उनको मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। इसी से हमारे मंचूरियन का जो कलर आएगा, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिली भी डाल सकते हैं, कश्मीरी रेड चिली, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, बट मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। 2 मिनट इसको ऐसे ही हम पका लेंगे।
तो फ्रेंड्स इसको 2 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अब अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं एंड मिक्स इट वेल। अब जैसे इसने ऑयल रिलीज करना छोड़ दिया है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो फ्रेंड्स मेरा मसाला जो है अच्छे से इसकी बेसिक ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब अगर आपको ड्राई मंचूरियन खाने हैं तो आप मंचूरियन बॉल्स को इसमें एज इट इज़ डाल दीजिए, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो मैं अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी। अपने हिसाब से आप पानी डालिए जिस हिसाब से आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। आप शाइन देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है हमारे मसाले की। अब इसको मैं हल्का सा बॉयल दे दूँगी और देन इसमें हमारे मंचूरियन बॉल्स को मैं ऐड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारे मंचूरियन बॉल्स। मैं मिक्स कर लूँगी। अब आप इसे 2 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए और आपके मंचूरियन जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे मंचूरियन बनके रेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे। तो इनको डेकोरेट करने के लिए आप चाहे कोरिएंडर लीव्स यूज़ कर सकते हैं, थाई बेसिल यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इनके लिए एक टिप बनाई है, मैं इसके साथ इसको डेकोरेट करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।